ये जो टूल हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना मेट्रिसेस, ये टूल मॉडर्न डे मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स में से है। ये अभी डेवलप कर ही रहे हैं, डेवलप हुआ नहीं है। क्या चीज को कहेंगे मैट्रिक्स, सम अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ एक चित्र है ये। एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से कहेंगे कि गुना कर दीजिए, उसका मतलब हम सब मीन कर रहे होंगे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को गुना कर दीजिए। दो मैट्रिक्स को कहेंगे कि ऐड कर दीजिए, उसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों के करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। दो मैट्रिक्स को अगर कहेंगे कि गुना कर दीजिए, तो ए गुने बी अगर करने बोलेंगे तो ए मैट्रिक्स अगर एम इंटू एन ऑर्डर का है तो बी मैट्रिक्स को एन इंटू पी ऑर्डर का होना होगा। अतः गुना करने पर आपको m इंटू पी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा, और गुना करने का तरीका फिक्स्ड है, अनलाइक डिटरमिनेंट्स। दो डिटरमिनेंट को जब गुना करते हैं तो किसी भी तरह से आप गुना कर सकते हैं, रो बाय कॉलम, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम या कॉलम बाय रो। लेकिन मैट्रिसेस को जब गुना करेंगे तो स्ट्रिक्टली सबको फॉलो करेगा यूनिक तरीका, रो बाय कॉलम, तब ना सबका चित्र सेम आएगा। एक मैट्रिक्स डिफाइन किए हम लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहें कि बनाइए, तो आपको रो कॉलम इंटरचेंज कर देना है। एम इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाइएगा तो एन इंटू एम ऑर्डर का आ जाएगा। ट्रांसपोज से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग याद किए। कोई मैट्रिक्स ए को गुना कर दें हम किसी स्केलर से और तब कहें कि ट्रांसपोज निकालिए, इट इज सेम एज ट्रांसपोज निकाल के तब मल्टीप्लाई कर। दो मैट्रिक्स को ऐड करके कहें कि ट्रांसपोज निकालिए, इट इज सेम एज ट्रांसपोज निकाल के तब ऐड कीजिए, ये माइनस के लिए भी ट्रू है। दो मैट्रिक्स को गुना करके कहें कि ट्रांसपोज निकालिए, इट इज सेम एज पहले ट्रांसपोज निकाल के तब गुना कीजिए, लेकिन ऑर्डर बदल जाता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कहें कि बताइए तो वही मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज निकलने पे अगर मैट्रिक्स अनचेंज रह जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और ट्रांसपोज लेने पर अगर इक्वल टू माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले तो इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ये हम लोग साबित कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट लाइक किसी भी फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बटे टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बटे टू। हम साबित कर सकते हैं कि एक इवन फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, तो एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। जैसे एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन किए हम लोग, ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स पे हम एक ऑपरेटर, वन सिंगल मैट्रिक्स पे ये ऑपरेटर लगाते हैं, ये है बाइनरी ऑपरेटर जो दो मैट्रिक्स के बीच में आप लिखते हैं। जब भी कहेंगे कि ऐड कीजिए तो दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं, गुना कीजिए तो दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं। तो गुना करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने बोलेंगे तो हम एक ही मैट्रिक्स देंगे और उसका कहेंगे ट्रांसपोज बताइए, तो ट्रांसपोज निकालना इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर। ऐसा दो और चीज अभी सीखने जा रहे हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, एक और मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालिए। ऐसे लिखेंगे ए टू द पावर माइनस वन नहीं पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ ए पढ़ते हैं। जैसे कैसे साइन
टू दी पावर माइनस वन नहीं पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, लिखते ऐसे हैं, या कई किताबों में ऐसे भी लिखते हैं। हम अपनी किताब में ए ब्राइन सिंबल से भी नोट किए हैं ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आज दो हम लोग और सीखेंगे किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स, ऐसे लिखेंगे ए डी जे डॉट बगल में ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए, ये दोनों सीखेंगे आज। कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कहें तो उसका एलिमेंट्स यहां देखिए ए आई जे लिखा था, यहां ए जे आई लिखा है, मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज कर। और अब जब हम इस मैट्रिक्स का कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए, तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लिखे हैं कैपिटल सी जे आई, और कैपिटल सी का मतलब हम मीन कर रहे होंगे कोफैक्टर ऑफ ए जे आई, सी जे आई मीन्स कोफैक्टर ऑफ ए जे आई। अब याद दिला दें आपको कोफैक्टर क्या था, जैसे हम कोई एक मैट्रिक्स ए देते हैं, हम एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2, 1, -3, 1, 0, 4, 5, 3, -2। हम चाहते हैं कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाइए, दैट इज सिंपल। हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे 2, 1, 5, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो, रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। और इस मैट्रिक्स का कहें कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाइए, तो वापस वही मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाइए, तो डेफिनेशन के अनुसार पहले ट्रांसपोज बना लीजिए और अब एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहां लिखिए। जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, तो हम इस एलिमेंट का माइनर पहले निकालेंगे 0, -12, -12 माइनर, और माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर -1 to the power i + j से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनर को, तो हमको कोफैक्टर का वैल्यू निकल जाता है। जैसे ये वाला जो पोजीशन है वो 1-1 पोजीशन है, तो इस स्थान पे जो कोफैक्टर होगा वो इक्वल टू -1 to the power 1+1 times उस स्थान का करिस्पोंडिंग माइनर, यानी कि -1 to the power 2 यानी प्लस। तो इस एलिमेंट का जो माइनर होगा -12 वही कोफैक्टर भी होगा, लेकिन फिर इस स्थान का माइनर और कोफैक्टर में एक माइनस साइन का अंतर होगा। जैसे इस एलिमेंट का अब अगर हम लिखना चाहते हैं कोफैक्टर, तो पहले माइनर निकालेंगे 1 into -2 -2 -9 -2 + 9 7, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे हमको कोफैक्टर लिखना है, तो पहले हम इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे 4 - 0 और उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस पोजिशन से इसका हमको कोफैक्टर लिखना है, तो पहले इसका माइनर निकालें -2 - 20 - 22 और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये माइनस पोजिशन है, प्लस माइनस। इसी तरह से हम सब कोफैक्टर निकाल देंगे, ये जो मैट्रिक्स बनेगा यही मैट्रिक्स कहलाता है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जरा एक्सप्रेस करें, अगर मैट्रिक्स ए है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a2n a12 an1 an2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, यानी कि जो एडजॉइंट
नाम का जो चीज डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, ट्रांसपोज किसी का भी निकाल सकते हैं। वो अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका भी ट्रांसपोज निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम कहें आपसे कि ट्रांसपोज बताइए, लेकिन एडजॉइंट और इनवर्स ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कहा जाता है निकालने। तो हम यहां एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे हैं एन इंटू एन ऑर्डर का, हमको इसका निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना रहे हैं ए वन वन ए टू टू ए एन वन, यहां ए टू वन है, यहां ए थ्री वन ए थ्री। अब इसको यहां लिखेंगे ए वन टू ए टू टू डॉट 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 ए एन टू डॉट डॉट डॉट, ये हम लास्ट रो हो जाएगा ए वन एन ए टू एन डॉट 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 ए एन एन, ट्रांसपोज तैयार हो गया। और अब एडजॉइंट निकाल रहे हैं, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर को सी वन वन लिखेंगे, जो यहां लिखा है वही लिखते हैं, इसके कोफैक्टर को सी टू वन लिखते हैं, सी वन टू सी टू टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, सी एन वन सी एन टू सी वन एन सी टू एन डॉट 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 सी एन एन। अब ये मैट्रिक्स को कहते हैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है। अब इसका रिलेटेड प्रॉपर्टीज, माने ये सब तैयारी है किसी बहुत ग्रैंड चीज के लिए। अभी तो आप सिर्फ रट रहे हैं ना, जब एक मैट्रिक्स देंगे स्क्वायर कहेंगे कि इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दीजिए, तो आप ब्रेन को प्रोग्राम कीजिए कंप्यूटर की तरह बिना किसी बुद्धि लगाए कि हमको पहले उसका ट्रांसपोज ले लेना है और फिर एक एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल निकाल कर लिखना है। एक एग्जांपल और देख लें, एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स दे देते हैं टू माइनस वन थ्री फोर, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए तो स्टेप वन ट्रांसपोज ले लीजिए, स्टेप टू, अब एक एक करके हमको इस एलिमेंट का को फैक्टर यहां लिखना है, यानी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ताकि उसका माइनर डिटरमिनेंट मिले फोर, और उसको प्लस से गुणा करें। अब इसका लिखना है को फैक्टर, तो पहले उसका माइनर निकालेंगे और उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये प्लस पोजिशन है तो ये माइनस पोजिशन होगा, ये माइनस पोजिशन होगा। अब इसका हमको को फैक्टर निकालना है तो पहले माइनर निकाल लेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, इसका माइनर निकाल लेंगे टू और उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या उपयोग है अभी आप नहीं जानते। इसका रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखें, यहां लिखे हैं ढेर सारा, ये सब काफी मिलता जुलता आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज लिखे हैं कुछ 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 कुछ, उसी तरह से अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, आप फिर इनवर्स मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। बहुत चीज सिमिलर मिलेगा आपको। पहला देखिए, लिखा है कि किसी मैट्रिक्स ए को अगर उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से गुणा किया जाए किसी ऑर्डर में, तो गुणा करने पर एक मैट्रिक्स आएगा डेटे इनटू आई, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वो कुछ ऐसा मैट्रिक्स आएगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी थर्ड ऑर्डर का होगा, तो गुणा करने पर आपको एक थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर जो कि इस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू होगा। क्योंकि अब ये मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका डेट वैल्यू का मतलब हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, कुछ पांच आया मान लीजिए, यानी इस पांच से गुणा कर दीजिए हर एलिमेंट को,
यानी गुना करने पर कुछ ऐसा मैट्रिक्स आएगा, डेट ए जीरो जीरो डेट ए डेट ए जीरो जीरो जीरो, यही लिखा है पहला बात। बड़ी आसानी से हम लोग देख सकते हैं ये बात को, प्रूफ हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स गुने उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू सच ए मैट्रिक्स। अगर ये फोर्थ ऑर्डर का होगा तो ये एक और रो एक और कॉलम ऐड कर लीजिए, डायगोनल में डेट ए लिखा हो। लेट अस सी हाउ, गुना कीजिए ना इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुना कीजिए, बगल में लिखते हैं C11, C12, डॉट 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 C1n। देखिए ये जो एलिमेंट सब है इन्हीं का कोफैक्टर्स यहां लिखा है। आप पहले इनको ट्रांसपोज ले लिए थे, अब A11 का कोफैक्टर A12 का कोफैक्टर यहां लिखा है, तो इस रो का सभी एलिमेंट का कोफैक्टर यहां लिखा है, इस रो का कोफैक्टर यहां लिखा है C21, C22 डॉट 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 C2n। देख लीजिए C21, C22, इस रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर यहां लिखा है, इस आखिरी रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर यहां लिखा है Cn1, Cn2 डॉट। जब दोनों मैट्रिक्स को गुना कीजिएगा तो क्या डिसाइड हुआ है कि आप गुना करते वक्त रो बाय कॉलम करेंगे, गुना कर रहे हैं। n इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, ये n इंटू n ऑर्डर का है, ये n इंटू n ऑर्डर का है, गुना करने पर n इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। बनाते हैं ये एलिमेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस, दिस एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर प्लस दिस एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर। इसी को तो डेटे डिफाइन किए, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे डिफाइन किए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, याद दिलाने के लिए इसका एक्सपेंशन बोलेंगे कीजिए। तो A11 को मल्टीप्लाई करिएगा उसके कोफैक्टर से, A12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा उसके कोफैक्टर से, A13 को उसके कोफैक्टर से, जो नंबर आएगा वही कहलाएगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, यही डिसाइड हुआ था। फिर वहां हम लोग ये भी बात सीखे थे कि जरूरी नहीं है आप अगर इस रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से गुना कर दें तो भी वही वैल्यू आएगा, या इस रो के एलिमेंट को या इस कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से गुना कर दें तो यहां डेटे आएगा। अब यहां क्या आएगा, यहां है दिस इंटू दिस। हाँ, डिटरमिनेंट का एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, वो ये कि किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को अगर किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से गुना कर दीजिए, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कोफैक्टर से, इसको इसके, इसको इसके, A11 को C21 से, A12 को C22 से, A13 को C23 से, तो आंसर जीरो आ जाता है ऐड करने पर। इस रो के एलिमेंट्स को अगर इस रो के कोफैक्टर से गुना करके ऐड कर दीजिए तो भी जीरो आता है। इस कॉलम के एलिमेंट्स को अगर इसी के कोफैक्टर से गुना करके ऐड कीजिएगा तो डेटे एक वैल्यू आएगा, लेकिन अगर इस कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो जीरो आएगा। इसीलिए अब यहां पर जीरो आएगा, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है और ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर है, जीरो आएगा, सब जीरो जीरो हो जाएगा। अब आप यहां का इस रो का एलिमेंट्स भरना शुरू कीजिए तो दिस इंटू दिस वो जीरो आएगा, लेकिन दिस इंटू दिस वो डेटे आ जाएगा, अब फिर दिस इंटू दिस जीरो जीरो। अब आप थर्ड रो का एलिमेंट्स भरना शुरू कीजिएगा तो थर्ड रो इंटू दिस जीरो होगा, थर्ड रो इंटू दिस जीरो होगा, बट थर्ड रो इंटू दिस कॉलम डेटे हो जाएगा, क्योंकि यहां थर्ड रो में जो एलिमेंट्स लिखा है, यहां पे जो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स लिखा है वो इस थर्ड रो के एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स है, जो वर्टिकल रूप में लिख दिया गया है। बड़ा प्लानिंग से ये सब तैयार किया जा रहा है, हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर है ना, हम उसको अब ऐसे लिख दिए हैं, रोज
में जो एलिमेंट्स लिखा है उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का एक एरे बनाए हैं रिटन इन कॉलम्स, ताकि अब जब गुणा करें तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स तैयार हो जाए। तो पहला प्रॉपर्टी है एडजॉइंट मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं और गुणा करते हैं किसी को भी पहले लिख करके किसी को भी बाद प्री या पोस्ट पोजीशन में, मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ऐसे लिखे हैं, डेटे कॉमन ले लिए सब में से, डेटे 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 सब एलिमेंट में से कॉमन, कॉमन तभी लेंगे मैट्रिक्स में से जब सब में कॉमन होगा, अनलाइक डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स में जब कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ कॉमन दिखता है तो उसको लेते हैं, अगर सभी में कॉमन दिख रहा है टू 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 तो तीन बार टू बाहर लेना होगा, टू क्यू फोर्थ ऑर्डर का है, सब में टू कॉमन दिख रहा है तो टू टू द पावर फोर बाहर आएगा। तो हम इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिए हैं डेटे गुने आई, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था उसी का निकालते हैं। जब भी हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स से भेंट होगा तो हम आपसे पूछेंगे उसका डेट वैल्यू बताइए, ऐसे मैट्रिक्स के लिए नहीं पूछेंगे कि इसका डेट वैल्यू बताइए, ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन स्क्वायर होगा तो पूछेंगे डेट वैल्यू। जैसे अभी हम जानना चाहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डेट वैल्यू क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब सब कुछ जो लिखे हैं यहां अदर प्रॉपर्टीज वो इसी मदर प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, तो उसको तो पहले ग्रहण कर लीजिए कि बनाए ही है ऐसा एक मैट्रिक्स कॉल्ड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, जो गुना करें ओरिजिनल के साथ तो ऐसा आ जाए। So that is actually not a property, that is a result which has, which is a consequence of the definition. ये है properties, जो कि हम प्रूव करेंगे सब इसी मदर डेफिनेशन पे आधारित करते हैं। हमको एक बात सिर्फ पता है एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में, बस यही, बस यही। अब हम डेट निकाल रहे हैं, डेट ऑफ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेट वैल्यू ऑफ द एलएचएस मैट्रिक्स मस्ट इक्वल डेट वैल्यू ऑफ द आरएचएस मैट्रिक्स, इवी स्क्वायर दोनों बराबर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू कितना होगा, मैट्रिक्स याद कीजिए तभी जवाब दे पाएंगे। डेट वैल्यू डेटे 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 जीरो जीरो जीरो, तो हम आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि अगर सब जीरो हो डायगोनल के अलावा तो इसका एक्सपेंशन करने पर दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस आ जाता है, या आप ऐसे भी कर सकते थे इस रो में से डेटे कॉमन लीजिए, डेटे कॉमन लीजिए, डेटे सब में से तो डेटे टू द पावर एन कॉमन लीजिए, अब बचेगा द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डेट वैल्यू वन होगा, वन इंटू वन, यानी राइट हैंड साइड का डेट वैल्यू इतना होगा। अब ये मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ है, ये एक रियल नंबर है और राइट हैंड साइड भी एक रियल नंबर है, इस एक बात को हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि दोनों तरफ मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है, तो दोनों तरफ का डेट वैल्यू सेम होना चाहिए। नाउ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी रिटन हियर, नॉट मैट्रिक्स। डेट ऑफ ए गुने बी बराबर होगा डेटे गुने डेट बी, ये हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को गुना करके उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करें या दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करके गुना करें, यू गेट द सेम रिजल्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं डेटे इंटू डेट ऑफ एडजॉइंट, याद रहे ये सब डिटर्मिनेंट्स का बात लिख रहे हैं, नॉट मैट्रिक्स। एंड इस प्रकार अब हम डेटे से डिवाइड कर दें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर,
मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स होता तो हम डिवाइड नहीं कर पाते। इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं है कि ए बी बराबर सी लिखा हो तो हम बी बराबर सी बटे ए लिख दिए, ऐसा मैट्रिक्स में कोई ऑपरेशन नहीं है। रियल नंबर्स में है, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए वन बाई डेटे से तो ये वन हो जाएगा। इस प्रकार हमको इस मैट्रिक्स का को फैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनाए हैं, इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो इक्वल टू आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट टू बी पावर एन माइनस वन। मतलब हम अगर एक मैट्रिक्स दे दें 3-2, 1-5-4-0, 1-1-6 और हम कहें कि इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का डेट वैल्यू बताइए, तब आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने का आवश्यकता नहीं है कि पहले बनाएं फिर उसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करें। यही तो लिखा डेट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि हम इसी का डेट वैल्यू निकाल लें। और टू द पावर ऑफ थर्ड ऑर्डर का है तो टू द पावर 3-1 यानी उसका स्क्वायर। दूसरा एडजॉइंट ऑफ के ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए है उसको किसी स्क्वायर से हम चाहते हैं गुना कर दीजिए, अब इसका एडजॉइंट निकालिए। यहां लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए का पहले ट्रांसपोज बना लीजिए और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए। फिर लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये सब ट्रांसपोज में भी इस तरह का बात सब हम लोग सीखे थे, किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को गुना करके तब ट्रांसपोज कहें कि लीजिए, इट इज सेम एज पहले ट्रांसपोज लेके तब कैसे गुना। अगर कहें कि ए और बी को गुना करके ट्रांसपोज लीजिए तो पहले ट्रांसपोज लेकर के अब तब गुना कर सकते हैं, यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। यहां भी कुछ प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना हो यानी दो मैट्रिक्स को गुना करके दोनों स्क्वायर है सेम ऑर्डर का उसका निकालिए, इट इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ बी गुने एडजॉइंट ऑफ ए, खाली ऑर्डर बदल गया है, मैंने पहले बी का एडजॉइंट निकाल लीजिए ए का तब दोनों को गुना कर दीजिए, सिमिलर है ये प्रॉपर्टी। फिर लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने के लिए कहें तो पहले ए का एडजॉइंट निकाल के मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ये सब प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स ए, कहेंगे कि उसका ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट निकालिए। यहां लिखा है कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले एडजॉइंट निकाल लीजिए और तब ट्रांसपोज लीजिए। और इसका क्या वैल्यू होगा, मतलब कि एक मैट्रिक्स हम दे दिए थर्ड ऑर्डर दे दिए 5-1-4-1-2-3-0-4-9, हम चाहते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए। हमने हम लोग पहले 2A मैट्रिक्स बना लेते हैं 10-1-8, फिर उसका एडजॉइंट निकालने के लिए वही सब जो करते हैं 2A का पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे, फिर उसके हर एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे, बन जाए। बट हम लोग उसका रिलेटेड प्रॉपर्टी को जरा देख लीजिए, ट्रांसपोज में बड़ा सिंपल था के बाहर आ जाता था, बट इसमें के बाहर नहीं आता है कि इट इज इक्वल टू के टाइम्स एडजॉइंट, ऐसा नहीं, मैंने एडजॉइंट निकाल के से गुना कर दीजिए, सब नहीं है। कुछ है लिखे हैं कि इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए के टू दी पावर एन माइनस वन, यहाँ एन मैंने ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का। इसको प्रूफ देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ के गुने के हम जानते हैं कितना होगा, कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल लिए उसको उस मैट्रिक्स से गुना कर दिए, सम मैट्रिक्स वो हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो डेट
ऑफ दैट मैट्रिक्स गुने आई आएगा। इस एकमात्र प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए इन सभी बातों को प्रूफ करने के लिए। हम लोग को नहीं प्रूफ करना है, सबसे नहीं करेंगे, पर ये कर रहे हैं। इसको देखिए समझे हैं कि नहीं, यहां लिखा है उसी कॉपी किए हैं, स्टार गुने एडजॉइंट ऑफ स्टार, दो मैट्रिक्स है गुना कर रहे हैं तो इक्वल टू कितना आएगा, वो इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा, डेट स्टार डेट स्टार डेट स्टार जीरो, यानी डेट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स कॉमन हो गया। मैट्रिक्स में से कॉमन लेते वक्त सब में कॉमन होना चाहिए, तो हम लोग इसी बात को इस्तेमाल करते हुए ऐसा तो लिख सकते हैं, हमको निकालना ये है इतना बराबर कितना होगा, लेकिन हम यहां से शुरुआत किए, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टू द पावर एन टाइम्स डेटे लिख सकते हैं। क्लियर है ना, हम लोग डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, एक मैट्रिक्स ए है उसको के से गुना कर दिए, हमने सबको के से गुना कर दिए जो भी पहले से था एलिमेंट, के इंटू समथिंग के इंटू समथिंग के इंटू समथिंग के इंटू समथिंग, और अब इसका डेट वैल्यू बोल रहे हैं कि निकालिए, तो सब में से फिर के कॉमन लेंगे तो के टू द पावर एन हो जाएगा बाहर कॉमन, वही लिखें डेट वैल्यू ऑफ टू ए इक्वल टू कितना होगा, तो ए के ऑर्डर पर डिपेंड करता है, अगर फोर्थ ऑर्डर है तो ये टू टू द पावर फोर टाइम्स डेटे के बराबर, क्योंकि चारों रो से दो कॉमन हो मल्टीप्लाई कर दिए सबसे, निकाल रहे हैं तो हर रो से एक एक करके चार बार निकालना, इस के को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, के एक स्केलर क्वांटिटी है रियल नंबर है, तो हम इसको ए गुने एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर एन माइनस वन इंटू डेटे इंटू आई को लिख सकते हैं ए गुने एडजॉइंट ए, ए गुने एडजॉइंट ए हम यहां लिख देते हैं। अब आप तुलना करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ए गुने दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए गुने दिस मैट्रिक्स, यानी ये दोनों मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स के ए विल बी इक्वल टू के टू द पावर एन माइनस वन टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, यहां एक इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है, क्या ए गुने बी बराबर ए गुने सी लिखा होगा तो क्या हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि b इज इक्वल टू c, जैसे हम लोग को 2x बराबर 2y लिखा हो तो हम तुरंत निष्कर्ष निकालते हैं ना कि ये संभव तभी है रियल अलजेब्रा में x बराबर y। ये निष्कर्ष कैसे निकालते हैं कि हम दोनों तरफ अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और 2 इंटू हाफ को हम लोग 1 कहते हैं और 1 इंटू एक्स को x कहते हैं, तो वहां से यहां तक का जो जर्नी है 2x बराबर 2y स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालते हैं जब x बराबर y, तो वो जर्नी आसान नहीं है। आप दोनों तरफ जो 2 को कैंसिल आउट किए, कैंसिल आउट करने का अधिकार था आपको कि नहीं ये जानना जरूरी था, जैसे 0 इंटू एक्स बराबर 0 इंटू वाई लिखा होता तो क्या आप यहां से निष्कर्ष निकाल लेते कि तब निश्चित रूप से x इज इक्वल टू वाई, नो नॉट नेसेसरी, इधर हो सकता है 0 इंटू 5 आइदर 0 इंटू 7 और दोनों बराबर है, 0 इंटू 5 इज 0 0 इंटू 7 इज 0, यानी कि कैंसिल आउट करने का अधिकार है कि नहीं है। ए कोई चित्र है, बी कोई चित्र है, असी कोई चित्र है, ए बी चित्र को जब गुना किए तो दिया हुआ है कि एसी चित्र को गुना करने के बराबर आ जाता है, बट इससे हम क्या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तभी हो सकता है जब बी बराबर सी हो, यस और नो, विल सून लर्न कि ऐसा कट्टमकुट्टी करने का प्रावधान मैट्रिक्स में है कि नहीं है, सर्टन कंडीशन सर, जैसे यहां भी कंडीशन था ना अल्फा एक्स बराबर अल्फा वाई को हम काट के सिर्फ x बराबर y लिख सकते हैं, किस केस में अल्फा कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, वैसे ही यहां भी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये तभी ऐसा कर सकते हैं जब डेटे इज नॉट इक्वल टू जीरो,
जैसे अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कभी कटम कुट्टी कर सकते हैं। यहां हम लोग अभी सीखेंगे, बस तुरंत इनवर्स डिफाइन करते हैं कि कटम कुट्टी तभी कर सकते हैं जब डेट ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये शब्द हम लोग पहले डिफाइन किए हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डेटे अगर जीरो आता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर। तो अल्फा शुड बी नॉन जीरो, तब आप ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली डेटे शुड बी नॉन जीरो, तब आप ऐसा बोल सकते हैं। ये हम लोग सीखेंगे। चलिए अब सीख गए हम लोग, कोई मैट्रिक्स दे दीजिए स्क्वायर होना चाहिए, हम उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। आपसे थोड़े को इम्तिहान में एक मैट्रिक्स दे करके और कहेंगे कि उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाइए, लेकिन अगर कह दिए तो अधिक से अधिक हम थर्ड ऑर्डर देंगे, सेकेंड ऑर्डर दे देंगे, उससे बड़ा नहीं देंगे, क्योंकि को फैक्टर निकालने में आपको माइनर का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो थर्ड ऑर्डर देंगे तो माइनर सब सेकंड सेकंड ऑर्डर का आएगा, फोर्थ ऑर्डर दे देंगे तो माइनर सब थर्ड थर्ड ऑर्डर का आ जाएगा। इसीलिए जब भी देंगे भी कभी ऐसा, तो मैट्रिक्स मेरा अधिक से अधिक थर्ड ऑर्डर का होगा। पर ठीक है, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे और ये समझ गए कि दोनों को गुणा करने पर ऐसा मैट्रिक्स आएगा। फिर ये भी समझ गया कि चूंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डेट वैल्यू पूछा जा सकता है कि बता दीजिए, तो बिना मैट्रिक्स बनाए हम बता देंगे, खाली ओरिजिनल मैट्रिक्स का डेट वैल्यू निकाल के रेज कर देंगे टू द पावर एन माइनस वन। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से गुना करके कहिएगा कि उसका एडजॉइंट बनाइए, तो हम ओरिजिनल का ही बना के अब उसको गुना कर देंगे के टू द पावर एन माइनस वन से। एक आखिरी चीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सारा तैयारी इसी के लिए था, एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी, इन दोनों को गुना करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ऐसा दो मैट्रिक्स को हम कहते हैं एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स। किसी ऑर्डर में गुना करने पर ये बात सत्य होना चाहिए, ए गुने बी कीजिए चाहे बी गुने ए। रियल नंबर में भी था ऐसा, एक नंबर ए और एक रियल नंबर बी को गुना करने पर वो वन के बराबर आ जाए, द आइडेंटिटी नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो दो रियल नंबर को गुना करने पर अगर वन के बराबर आ जाए, जैसे पांच गुने 0.2, थ्री गुने 0.33, फोर गुने 0.25, टू गुने 0.5, वन गुने वन, ऐसा जोड़ा जोड़ा में नंबर अनंत खोज सकते हैं हम जिनको गुना करने पर वन आ जाए। ऐसे दो नंबर को एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे हम पूछे पांच का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एक बटे पांच ऐसे लिख देते हैं, 0.2 नहीं लिखते। 7.3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे लिख देते हैं। यानी हम क्या समझ रहे हैं ऐसा लिखने का मतलब, समझ ही रहे हैं कि कभी अगर दिस इंटू दिस लिखा हो तो हम उसको वन लिखेंगे, यही समझ रहे हैं। तो दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर उसका वैल्यू इक्वल टू द आइडेंटिटी नंबर वन के बराबर आ जाए, तो ऐसे दो रियल नंबर को कहते हैं एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। दो मैट्रिक्स को गुना करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए बोथ वेज, तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को कहेंगे एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स। बड़ी महत्वपूर्ण है ये। ए बी बराबर ए सी एक स्टेटमेंट लिखा है, 2x बराबर 2y, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, जिस चीज से भी चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये नंबर बराबर है, तो हम पांच से गुना कर दें दोनों तरफ तो वो नंबर भी बराबर होगा ना पक्का, तो हम अभी हाफ से गुना किए,
अब हाफ इंटू टू को हम वन लिख सकते हैं, अब वन इंटू एक्स को एक्स लिख सकते हैं। यानी इस तरह से हम साबित किए इस स्टेटमेंट का मतलब, ये स्टेटमेंट कि नहीं कर पाते हम अगर हम ये डिफाइन नहीं करते तो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रियल नंबर नहीं कर पाते हम साबित। दो बड़ा महत्वपूर्ण चीज का जरूरत पड़ा है यहां, एक की हर रियल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग डिफाइन किए हैं सिवाय जीरो के, दोनों को गुना करने पर वन आएगा, अब फिर वन को गुना करेंगे एक से तो कितना लिखेंगे वो भी डिफाइन किए हैं कि वन से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो वही नंबर के बराबर होगा, ऐसा डेफिनेशन हम लोग वन के लिए चूज किए। अब यही हम लोग करने वाले हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स को ऐसे लिखने जा रहे हैं जैसे किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे लिखेंगे, 3.4 का 1/3, 1/3.4 का 3.4। उसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, तो अगर ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा है तो हम दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से, हम किसी से भी गुना कर सकते हैं, आप कह रहे हैं ना कि ये चित्र और ये चित्र बराबर है तो दोनों तरफ हम कोई सेम मैट्रिक्स से गुना कर सकते हैं तब भी चित्र बराबर होगा, हम डी से गुना कर दे दोनों तरफ। हाँ ऑफ कोर्स कॉन्फर्म करना चाहिए फॉर मल्टीप्लीकेशन, अभी अगर ये मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का था, ये थर्ड ऑर्डर का गुना करके थर्ड ऑर्डर आया तो थर्ड ही ऑर्डर से गुना कर सकते हैं, लेकिन गुना करने पर दोनों तरफ चित्र सेम होगा नो डाउट। तो हम मेरी मर्जी हम अभी एक मैट्रिक्स से गुना किए हैं दोनों तरफ, जैसे यहां पे हम कुछ प्रूफ करना चाह रहे थे। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है, जैसे ये दोनों, इन दोनों को गुना करने पर आई मिलेगा, और आई गुने भी करने पर आई को डिफाइन ही किए हैं इस तरह से, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी से भी गुना कीजिए तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम दिए हैं इसको, क्योंकि किसी से भी गुना करेंगे बी इंटू आई तो बी लिखेंगे, यानी तब प्रूफ कर पाएंगे हम बी बराबर सी। इस प्रूफ में एक ही चीज अब चाहिए कि किस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते, जैसे यहां पे टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि एग्जिस्ट करता है तभी ना, अगर जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो इंटू वाई स्टेटमेंट होता तो आप ऐसा नहीं ना लिख सकते थे कि हम दोनों तरफ 1/0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली ए बी बराबर ए सी स्टेटमेंट से आप बी बराबर सी स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं सिर्फ तभी ना जब ए मैट्रिक्स का एक इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता, सो दैट इज द कंडीशन, ए का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, खोज देंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दीजिएगा ना तो हम खोज देंगे एक मैट्रिक्स जिससे इसको गुना करते ही आई आ जाए, लेकिन ये तभी खोज पाएंगे जब उसका डेटे नॉन जीरो हो, ये हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट लेट मी डिफाइन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सारा तैयारी इसी के लिए है कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना चाहिए और नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो उसका एक यूनिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, इंटरेस्टिंग है वो। आप कोई मैट्रिक्स हम दे दिए 2, 3, 4 स्क्वायर दे रहे हैं, -1, 5, 7, 0, 9, 6, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी डेटे अगर जीरो नहीं हो, एक्सपेंड करके देख लेना, तो निश्चित रूप से हम एक इसका एक मैट्रिक्स खोज सकते हैं ऐसा जिसको इससे गुना करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। दिस इज वंडरफुल फॉर एवरी मैट्रिक्स व्हिच इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर, वी कैन यूनिकली डिटरमिन अ मैट्रिक्स सच दैट the product of the two matrices equals I। कैसे ढूंढेंगे, बस अब वही सीखना रह गया,
मैट्रिसेस में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे ढूंढेंगे? ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं हम सब, हम ढूंढे हैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए तो ये मैट्रिक्स आता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए डेटे से। हाँ, अब यही डिवाइड करते वक्त ये जीरो होगा तो कैसे डिवाइड कीजिएगा? ये एक नॉन जीरो रियल नंबर हो तो इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। सो वी हैव सक्सेसफुली फाउंड कि ए मैट्रिक्स को क्या चीज से गुना करें तो आई आ जाएगा। इसी के लिए तैयारी था, हम लोग सीखे कि किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहें कि बताइए दिस इज इट्स इनवर्स मैट्रिक्स, आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लीजिए, उसको 1/data एक स्केलर से गुना कर दीजिए, यानी उसके हर एलिमेंट को 1/data से गुना कर दीजिए। और ये तभी ना आप कर पाइएगा जब डेटे का वैल्यू जीरो नहीं हो। यही लिखे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ऐसा सिंबल से डिनोट करते हैं, a^-1 जैसा बोलते नहीं है, a^-1। इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई इट बाय अ स्केलर 1/data, जिसको कि हम ऐसे भी लिखते हैं 5×1/3 को 5/3 लिखते हैं, पर याद तो रखते हैं ना कि ऐसा लिखना मने ऐसा। एक साथ मैट्रिक्स भी है, एक रियल नंबर भी है, सब चल रहा है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है शुरू शुरू में कि यहां पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है चित्र, \data लिखा, बटे चित्र नहीं है, चित्र बटे चित्र ऐसा ऑपरेशन हम लोग नहीं डिफाइन किए मैट्रिसेस, ये एक स्केलर इनटू चित्र है, हाँ वो डिफाइन किए। और कब किसी मैट्रिक्स का आप निकाल पाएंगे इनवर्स, वो कंडीशन यहां लिखा है, तभी जब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब। अब आज के बाद ए बी बराबर ए सी लिखा हो तो कट्टम कुट्टी करके भी बराबर सी लिख देंगे, हाँ लिख सकते हैं प्रोवाइडेड ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डेटे का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो है तो नहीं काट सकते, इतना ही तो बात याद रखें सर। अब इसका प्रॉपर्टीज, पहला ये तो डेफिनेशन में ही निहित है, जैसे यहां डेफिनेशन में निहित था, ये प्रॉपर्टी बोलना भी इसको गुना है, जो डिफाइन किए ना एडजॉइंट को कोफैक्टर सबको ऐसे लिखने के, इस डेफिनेशन में निहित है, दिस गुने दिस करेंगे तो डेटे आ जाएगा, दिस गुने दिस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, सो इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ द डेफिनेशन। उसी तरह से ये प्रॉपर्टी नहीं है, ए गुने ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स गुने ए इक्वल टू, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। दूसरा बात लिखे हैं इनवर्स का इनवर्स will be equal to the matrix itself. Actually, दोनों matrix को एक दूसरे का inverse बोलते हैं, 5 और 1/5, इसका inverse पूछे multiplicative तो आप 1/5 बोलेंगे, और 1/5 का पूछे तो आप 5 बोलेंगे। एक matrix यहां लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, इसका एक inverse matrix ढूंढते हैं, A एक matrix देते हैं 1, 2, 3, 4, हमको इसका इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए। निकालने के पहले डेटे देख लीजिए, 4-6-2 नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक है, आप खोजिए हम खोजे, एक ही मैट्रिक्स ऐसा है जिसको इसके साथ गुना करें तो यूनिक मैट्रिक्स आ जाए। तो हम पहले इसका ट्रांसपोज ले लें, 1, 3, 2, 4, अब इसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बना लें, डेटे का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा इसीलिए यहां लिख रहे हैं 4-6-2, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएं, यहां लिखेंगे इसका कोफैक्टर माइनर खोज के प्लस से मल्टीप्लाई,
यहाँ इसका माइनर खोजे माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका माइनर खोजे माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ इसका माइनर खोजे अब प्लस, और अब हम ए इनवर्स लिख रहे हैं, बस एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। इसको हमको हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है माइनस हाफ से, तो माइनस टू वन थ्री बाई टू माइनस हाफ, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है, यानी हम अगर इस मैट्रिक्स से शुरू किए होते इसका इनवर्स मैट्रिक्स खोजना तो ई आ जाता, ये दोनों को गुना करके चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं, अगर कुछ गलती हो गया होगा ना तो नहीं आएगा, चेक करके देखें। लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस ए गुने जिस मैट्रिक्स को भी हम ए इनवर्स नाम से पुकार रहे हैं उसको गुना करके देखें, वन टू थ्री फोर गुने माइनस टू माइनस वन थ्री बाई टू माइनस हाफ, टू इंटू टू टू इंटू टू को गुना करेंगे टू इंटू टू, चार एलिमेंट ढूंढना है, यहां पे लिखेंगे दिस इंटू दिस माइनस टू प्लस थ्री वन, यहां का एलिमेंट होगा वन इन माइनस वन जीरो, यहां होगा दिस इंटू दिस माइनस सिक्स प्लस सिक्स, और यहां होगा दिस इंटू दिस थ्री माइनस टू, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। अगर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स होता तो थर्ड ऑर्डर का इनवर्स बनता, गुना करने पर थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनता। उसके बाद लिखे हैं के गुने ए का इनवर्स, ऐसा ट्रांसपोज में भी हम लोग पढ़े और ऐसा एडजॉइंट में भी पढ़े कि किसी मैट्रिक्स को अगर एक स्केलर से गुना करके कहें कि ट्रांसपोज निकालिए तो इट इज सिंपल, फिर पढ़े कि किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से गुना करके एडजॉइंट निकालिए तो के टू द पावर एन माइनस वन गुने एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स को के से गुना करके अब कहें कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए तो आता है वन बाई के टाइम्स ए का इनवर्स। ये प्रूफ करते हैं तुरंत, ये सब भी जैसे प्रूफ किए इसको भी कर लेते, इसको भी कर लेते, हमको यही ना प्रूफ करना है कि के ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ये है। कभी भी हम आपको दो मैट्रिक्स दे दें और कहें कि साबित कीजिए तो कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स, तो कैसे साबित करेंगे? जो डेफिनेशन है आप दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों तरफ से करके दिखाना होगा आपको, एक तरफ से करने से नहीं होता, दोनों तरफ से गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तब साबित हो गया। तो हमको भी यही ना साबित करना है कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ये है, यानी कि हमको साबित करना है कि ये मैट्रिक्स को अगर हम इस मैट्रिक्स से गुना कर दें तो हमको आई मिल जाएगा। प्रूफ कीजिए कि ए का इनवर्स मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स, यानी प्रूफ करना होगा ए गुने बी का वैल्यू आई होगा, दोनों को गुना कीजिए देखिए आई आता है कि नहीं, के गुने वन बाई के स्केलर ई दोनों मल्टीप्लाई होकर के रियल नंबर वन आ जाएगा, और ए गुने ए इनवर्स तो आई आ जाएगा, यहां ए और ए इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है, हेंस प्रूफ। ये सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टीज है। फिर यहां लिखे हैं ए बी का इनवर्स बताइए, तीनों में था ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का एडजॉइंट और ए बी का इनवर्स, तीनों एग्जैक्टली सेम है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी का एडजॉइंट गुने ए का एडजॉइंट, बी का इनवर्स गुने ए का इनवर्स, यहां पर और एक ट्रांसपोज का इनवर्स लेने बोले, ये एडजॉइंट में था, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके तब एडजॉइंट निकाले, या हम एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज ले लें, यहां है ए मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज लेके इनवर्स निकालिए, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, इट इज सेम एज कि इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर है एडजॉइंट और इनवर्स। डेट वैल्यू क्या होगा इनवर्स का, ये कितना होगा? एक ही बात आपको ना याद है, ए गुने ए इनवर्स बराबर आई होता है। तो दोनों तरफ डेट ले लीजिए, देन डेट वैल्यू ऑफ एलएचएस विल बी इक्वल टू डेट वैल्यू ऑफ आरएचएस। और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी के अनुसार दिस कैन बी रिटन एज डेटे इनटू डेट ऑफ दिस। इधर डेटाई का वैल्यू वन होता है, अब ये सब रियल नंबर्स है। सो ए इनवर्स का डेट वैल्यू, इंटरेस्टिंग, अगर हम एक मैट्रिक्स दे दें और कहें कि इसके इनवर्स मैट्रिक्स का डेट वैल्यू बताइए, या इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का डेट वैल्यू, या इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेट वैल्यू, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेट वैल्यू तो वही रह जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज लेकर के डिटरमिनेंट निकालिए। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, हीरो और कॉलम को इंटरचेंज करने से उसका एक्सपेंशन करने पे वैल्यू नहीं बदलता है। एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स निकाल के डेट वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, सीधे डेट निकालिए टू द पावर एन माइनस वन कर दीजिए, और इनवर्स निकाल के इसका उसका डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करने का जरूरत नहीं है अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो। इनवर्स मैट्रिक्स का डेट वैल्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ द डेट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए आज के लिए समाप्त यहीं पर।